आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 जो भर्ती आई है उसी के बारे में कि फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है, कैसे भरना है, क्या एक से अधिक पोस्ट आप भर सकते हैं, किस किस पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और किस पोस्ट में एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में फॉर्म भर के बताया जाएगा ताकि आप जो है खुद अपने मोबाइल से घर बैठे आप फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे, तो चलिए चलते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको पहुँच जाए। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर। तो इसके लिए आपको आना होगा अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे और सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं थ्री डॉट जो है उस पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। यहाँ से ओपन हो जाने के बाद सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है रिक्रूटमेंट RECT.BSF.GOV.IN और इसको प्रेस कर देना है, ओके कर देना है। देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। बीएसएफ का ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन हो गया है। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई हेयर लिखा हुआ है, इसी पे आपको इंटर करना है। तो अप्लाई हेयर पे इंटर कर लेते हैं, ओपन हो रहा है, थोड़ा ओपन हो चुका है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, उसके बाद एड्रेस डिटेल्स भरना है, फिर अदर डिटेल्स भरना है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है, फिर यहाँ वर्क एक्सपीरियंस भरना है और उसके बाद सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, उसके बाद जो क्रिटेरिया है उसको फिल कर देना है। तो चलिए सबसे पहले जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम अपना लिखना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वह अपना नाम लिखेंगे, मैट्रिकुलेशन मैट्रिक में जो भी उनका नाम है वही नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे ईमेल आईडी दे करके जनरेट ओटीपी पे प्रेस कर देना है। तो चलिए इतना कर लेते हैं, उसके बाद जनरेट ओटीपी प्रेस करते हैं। सारा डिटेल्स को हम भर लिए हैं, अब जो है जनरेट ओटीपी कर देते हैं। यहाँ से प्लीज वेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को हम फिल कर लेते हैं। यहाँ से इंटर ओटीपी में 30 29 95 ओटीपी था, इसको हम फिल कर लिए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है, प्लीज वेट लिखा रहा है। तो यहाँ से फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर नेम इज योर ईमेल आईडी, पासवर्ड हैज बीन ईमेल्ड टू यू एंड योर ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो है यूजर नेम और पासवर्ड को जो है सेंड कर दिया गया। इसके बाद जो है आइडेंटिटी डिटेल्स में जाना है, उसके बाद आइडेंटिटी टाइप को सिलेक्ट करना है और उसी का जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे हम जो है आइडेंटिटी टाइप को सिलेक्ट कर लिए हैं, आधार कार्ड और नंबर भी यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको जाना है और डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। उसके बाद एज जो है यहाँ पर खुद कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देगा कि कितना एज हुआ है प्रजेंट टाइम में आपका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। नेशनलिटी की बात कर ले तो इंडियन हो जाएगा, इसमें आपको पिता का नाम लिखना है और उसके बाद नीचे फिर जाना है तो माता का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एक यहाँ पे शरीर पे अस्थाई पहचान चिन्ह आपको देना है, इसमें आप कटे का निशान दे सकते हैं या फिर तिल का निशान भी यहाँ पे कहीं रहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करना है, किस जेंडर से आप बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल, तो आप जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में जाना है, मैरिटल स्टेटस में क्या आप विवाहित है अविवाहित है, विवाहित है तो मैरिड से को सिलेक्ट करें, अगर जो अविवाहित है तो अनमैरिड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि आप जो है पर्सनल डिटेल्स हैव सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद जो है आपका इसमें एड्रेस डिटेल्स में जाना है और एड्रेस डिटेल्स में यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस भरना है, यहाँ पिन कोड भरना है, यहाँ आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर नीचे आना है और यहाँ पे आपको ज़िला सिलेक्ट करना है, यहाँ से विलेज सिलेक्ट करना है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस में जो है आपका सेम एड्रेस हो तो यहाँ पे सेम पे जो है आप
क्लिक कर दे तो जो डाटा ऊपर में लिखा हुआ है वही जो है आपका नीचे फिल हो जाएगा। अगर जो सेम नहीं है तो फिर आप वैसे ही यहाँ पे भर सकते हैं, पत्राचार पता, यहाँ पे पिन कोड, स्टेट, जिला, और यहाँ से फिर अपना सारा डिटेल्स को भर के आप यहाँ से सेव है नेक्स्ट फिर कर सकते हैं। तो सेव है नेक्स्ट यहाँ कर दिए हैं। सेव है नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि एड्रेस डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब जो है यहाँ पे अदर डिटेल्स में भरना है कि क्या आप जो है एनसीसी किए हुए हैं, अगर जो किए हैं तो यस लिखें, नहीं किए हैं तो नो को प्रेस करना है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड में लिखना है कि आपका यहाँ पर हाइट कितना है, यहाँ चेस्ट कितना है, और यहाँ पर आपका वेट कितना है। तो सारा डिटेल्स को हम भर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है, ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, क्या आपके पास कोई क्रिमिनल केस है, अगर है तो यहाँ पे एस करके उसका डिटेल्स भर देना है, और नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल, तो यहाँ से जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको भर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको योग्यता का टाइप भर देना है, किस योग्यता से आप जाना चाहते हैं। ऐसे मिनिमम इसका मैट्रिक से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप मैट्रिक भर दें। उसके बाद इसका मैट्रिक का मार्कशीट का प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे लिख दें, और कब पास हुए हैं यहाँ पे भरना है, और किस राज्य से पास किए हैं यहाँ पर भरना है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है, और सब चीज़ कर देने के बाद यहाँ पर जो है अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इतना करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सारा डिटेल्स जो है इसमें अपडेट हो चुका है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद मेरा डिटेल्स जो है सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जो है लिखना है कि कितना वर्क एक्सपीरियंस है, तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप सेवारत हैं, तो है तो एस टाइप करें, अगर जो नहीं है तो नो टाइप करके यहाँ पर सेव करना है इसको। तो यहाँ से एक्सपीरियंस डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली हो गया है। अब जो है यहाँ पे आपका इस बॉक्स में आपको अपना जो है फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे हस्ताक्षर अपलोड करना है, यहाँ मैट्रिक का प्रमाण पत्र अपलोड करना है, और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और इन सब का जो है साइज होना चाहिए, फ़ोटो का साइज 30 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, साइन का जो है साइज 20 KB से 50 KB, और क्वालिफिकेशन कास्ट एक्सपीरियंस का 30 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। और इस सब जो फॉर्मेट बनेगा वह JPG, JPEG, PNG, PDF किसी भी टाइप में अपलोड कर देना है। उसके बाद सब चीज़ अपलोड करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे प्रेस करना है। तो चलिए इतना अपलोड करके हम सेव एंड नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल अपडेट जो है कम्प्लीटेड 100% हो चुका है। उसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, और यहाँ से अप्लीकेशन हिस्ट्री जो लिखा हुआ है इसी पे आपको अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है यहाँ से। तो यहाँ क्लिक कर दिए, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप फिर से जो है यही होम पेज पे आप चले आएंगे, और यहाँ से फिर से आपको अप्लाई हेयर कर देना है। तो यहाँ अप्लाई हेयर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से अब आप जो है पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी पोस्ट आप भरना चाहते हैं उस पोस्ट को आप सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम जो एक पोस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से आपको पोस्ट सिलेक्ट करना है जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको SSC सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से प्रेस करके आप जो है लिखा हुआ रहेगा आपको सिर्फ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिर एक्सपीरियंस में आपको जाना है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, ये 3 गो दिया हुआ है, तीनों में से किसी एक को आपको जो है नेसेसरी से सिलेक्ट करना ही करना है, अन्यथा जो है फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो यहाँ हम एक को सिलेक्ट कर लिए हैं, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, इसमें एस कर दिए हैं। उसके बाद नीचे फिजिकल स्टैंडर्ड में जाना है, तो कैटेगरी तो रजिस्ट्रेशन के समय ही सिलेक्ट कर लिए थे, हाइट वेट सब चीज़ में लिखा हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है अपलोड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो है उसको अपलोड करना है यहाँ से। तो इसमें जो है डॉक्यूमेंट लोड जो करना है वह 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट जो है JPG और PNG, PDF किसी भी फॉर्मेट में आप लोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है अपलोड डोमिसिल सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको डोमिसिल सर्टिफिकेट लोड करना है, यह भी आपका जो है JPG किसी भी फॉर्मेट में आप इसको लोड कर सकते हैं 30 KB से 100 KB के बीच में। उसके बाद सब डिटेल्स को लोड करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट को प्रेस करना है। तो सेव जो है आपको सेंटर प्रिफ्रेंस चूज करना है, तो यहाँ से आप सेंटर की प्राथमिकता दे सकते हैं किसमें आप जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसका। उसके बाद आप किस जगह से है प्लेस को सिलेक्ट कर लेना है, फिर नीचे आना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक लगा के फिर सबमिट कर देना है यहाँ से। तो यहाँ पे एग्री एंड पे, यहाँ पे आपका जो फी कटने वाला है
और आप सारा डिटेल्स यहाँ पे अगर जो सही सिलेक्ट किए हैं तो ठीक है, यहाँ से एग्री एंड पे कर सकते हैं। तो एग्री एंड पे कर दिए हैं, खुल ओपन हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। थैंक यू का ऑप्शन आ गया है, थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो नीचे जाना है और प्रिंट जो दिया हुआ है इसको प्रिंट करके अपना एक्नॉलेजमेंट जो होता है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड डॉक्यूमेंट यहाँ से कर लेना है और इसको जो है आपको सेफ रखना है, क्योंकि आपका जब इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो आपसे फॉर्म जो है खोजा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।